झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम प्रखंड पदाधिकारी शुक्रवार को झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में नव पदस्थापित उटारी रोड बीडीओ सह सीईओ संजय कुमार बखला को डायरी एवं कलम देकर औपचारिक मुलाकात की और बधाई एवं शुभकामनाएं दिया। झामुमो नेता अजय कुमार गुप्ता ने क्षेत्र की बदहाली स्थिति को आकृष्ट कराते हुए बीडीओ सह सीईओ संजय कुमार बखला को बताया कि इस उटारी रोड प्रखंड में 90% लोग पिछड़ा शोषित और गरीब तबके के लोग निवास करते हैं, जहां पर बिचौलिया गिरी काफी हावी रहता है और जिसके कारण जिनको लाभ मिलना चाहिए उसे लाभ नहीं मिल पाता है और जिनको लाभ नहीं मिलना चाहिए उसे लाभ मिलता है, जिस पर लगाम लगना एवं बिचौलिया के ऊपर कार्रवाई करना अति आवश्यक है। अंत में महोदय से झामुमो नेता गुप्ता ने यह भी आग्रह किया कि यहाँ पर प्रखंड कार्यालय मनमाने ढंग से चलते आ रहे हैं, किसी तरह का प्रखंड कर्मियों को आने जाने का कोई समय सीमा नहीं है, इस पर भी प्रकाश डालने का आग्रह किया। साथ ही साथ पंचायत भवन बनकर लाखों की संपत्ति बर्बाद हो रही है, लेकिन आज तक पंचायत सचिवालय का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसे भी सप्ताह में 3 से 4 दिन खोलने का आग्रह किया। साथ में मौके पर झामुमो उपाध्यक्ष प्रेमचंद प्रसाद गुप्ता, विकलांग कोरिल सेवानिवृत्ति शिक्षक रामवृक्ष बैठा, मनोज बैठा, काम कमलेश चौधरी, महेंद्र उरांव उपस्थित थे। प्रस्तावित हुआ है स्कूटी मजिस्ट्रेट जिला में थे, उसके बाद यहाँ आए हुए हैं स्थानीय व्यवस्था के तहत। तो यहाँ पर जो जन समस्याएँ हैं, जो सरकार के जो जितना भी स्कीम है, जो गरीब से गरीब तबके लोगों तक पहुँचाने का प्रयास रहेगा और हर संभव प्रयास करेंगे कि उटारी रोड प्रखंड का इसको विकास के और अग्रसर ले जाऊँगा। थैंक यू सर।